क्रिकेट में कई बार ऐसे वाक्य हो जाते हैं जिन्हें अजीब की श्रेणी से भी ऊपर रखा जा सकता है। पहले तो तकनीक इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे कई बार खिलाड़ी के आउट या नॉट आउट होने का पता मुश्किल से चलता था, लेकिन आज के दौर में किसी का बच पाना बेहद ही मुश्किल है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाक्य श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के पहले वनडे में हुआ। ऑकलैंड के ईडन गार्डन मैदान पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच शनिवार को खेला गया। इसी मैच के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसे देख कर क्रिकेट फैंस का दिमाग हिल जाएगा। मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी के दौरान चमिका करुणरत्ने रन आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट करार नहीं दिया, जिसकी वजह जानकर आप भी हैरानी से अपना माथा पकड़ लेंगे। जिस वाक्य का जिक्र हो रहा है वो श्रीलंका की पारी के 18वें ओवर में हुआ। ये ओवर ब्लेयर टिकनर कर रहे थे। उनके इसी ओवर की चौथी गेंद पर चमिका करुणरत्ने ने मिड ऑन की तरफ एक शॉट खेला और दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े। फील्डर ने नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ थ्रो किया। करुणरत्ने ने क्रीज पर पहुंचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तब तक टिकनर ने बेस उड़ा दिए थे। करुणरत्ने क्रीज से बाहर ही रह गए, लेकिन असल ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। दरअसल बेल्स की लाइट जली ही नहीं, जिस वजह से अंपायर ने करुणरत्ने को आउट नहीं दिया। ये देखकर चमका भी पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके बाद टीवी कमेंट्रेटर ने अंदाजा लगाया कि क्योंकि जिस बेल्स को टिकनर ने पहले गिराया था उसकी लाइट नहीं जली थी, जिस वजह से अंपायर ने आउट करार नहीं दिया। लाइट तभी जली जब टिकनर ने दूसरी बेल्स और स्टंप्स को हटाया। बता दें कि क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली स्टंप्स को चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से ही बेल्स हटने पर उसमें लाइट जलती है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच हुए मैच में बेल्स डिस्चार्ज हो गई थी, जिस वजह से चमका आउट नहीं दिए गए।